नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई औषधि के बारे में जानकारी देंगे। इस औषधि का नाम है कुटज। कुटज कड़वे इंद्रजों को कहते हैं। इसका आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको अपने घर में मिल जाता है और इससे आप बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं अपने घर में। आज हम आपको इसकी पहले पहचान कराते हैं और फिर बताएंगे कि कौन से रोग में आप कितनी मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये कुटज का पेड़ देख रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। इसके पेड़ 12 से 20 फुट ऊंचे होते हैं और बहुत सी शाखाओं से भरे होते हैं। कुटज के तने व शाखाएं गोल, सफ़ेद और कमज़ोर होती हैं। छाल कूट मोटी और दानेदार, उभरेदार व खुरदरी होती हैं। पत्ते एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इसके पत्ते 18 से 36 सेंटीमीटर लंबे और 6 से 15 सेंटीमीटर गोल होते हैं और नुकीले और चिकने होते हैं। इसके फूल चमेली के फूलों की तरह ही हल्के खुशबूदार होते हैं। इसकी फलियां एक साथ दो लगती हैं, जो 24 से 48 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। फली के अंदर मटमैले भूरे रंग के बीज होते हैं, जिसका स्वाद कड़वा होता है। कुटज के फूल बारिश के महीनों में और फल सर्दी के मौसम में लगते हैं। संस्कृत में कुटज को इंद्रजव कहते हैं, हिंदी में कूड़ा कुरैया, अंग्रेजी में कुरुचि और मराठी में कुंडा कहते हैं। गुजराती में कंडो कहते हैं और बंगाली में कुरैची कहते हैं। कुटज को ज़्यादा खाने से शरीर में कमजोरी हो सकती है। कुटज की छाल का चूर्ण 3 से 6 ग्राम, बीज का चूर्ण 1 से 3 ग्राम और काढ़ा 20 से 30 मिलीमीटर की मात्रा में आपको लेना चाहिए। दोस्तों, हमने आपको कुटज की पहचान कराई है, आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। इसे कड़वा इंद्रजो कहते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आइए हम आपको ये बताते हैं कि कौन से रोगों में से कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए है जिन्हें सफ़ेद दाग की परेशानी है, जिनके शरीर पर सफ़ेद दाग हैं। आप इसके लिए कुटज के बीज लीजिए, कड़वे इंद्रजों, और इनको गाय के मूत्र में पीस कर अच्छी तरह से सफ़ेद दाग पर लगाइए। सफ़ेद दाग पर लगाने से कुछ समय पश्चात सफ़ेद दाग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनके पेट में कीड़े की समस्या है या जिनके पेट में कीड़े हैं। आप इसके लिए कुटज का चूर्ण ले लीजिए 1/2 चम्मच की मात्रा में, और उसे रात को सोते समय आप रोज़ लेते हैं तो पेट के कीड़े सारे नष्ट हो जाते हैं और पेट स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनका पेट अक्सर खराब रहता है और दस्त की समस्या बनी रहती है। आप इसके लिए कुटज की छाल लीजिए और 1/2 चम्मच की मात्रा में आप दही के साथ मिलाकर दिन में आपको 3 बार सेवन करना है। इससे आपको दस्त की जो समस्या बनी रहती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनके गुर्दे में पथरी है या पेशाब की नली में पथरी है। आप इसके लिए कुटज की छाल का चूर्ण लीजिए 1/2 चम्मच की मात्रा में, और छाय के साथ जो दही घुलोई हुई होती है उसको हम छाय कहते हैं, उस छाय के साथ आपको दिन में 2 बार लेना है 1/2 चम्मच की मात्रा में। कुछ ही सप्ताह में पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनको गर्मी में लू लग जाती है। आप इसके लिए कुटज की छाल लीजिए 1/2 चम्मच की मात्रा में, और 1 कप दूध के साथ आप इसका सेवन करें। कम से कम दिन में 3 बार करना है। इससे लू के रोगी को बहुत ही फायदा मिलता है और शरीर ठीक रहता है। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें वीर्य से संबंधित रोग हैं। आप इसके लिए कुटज के फूल लीजिए और 1 चम्मच की मात्रा में आप रोज़ रात को अगर इसका सेवन करते हैं तो वीर्य से संबंधित बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए जिन्हें चेचक का रोग है। आप इसके लिए कुटज की छाल लीजिए और उसे चावल के पानी में, जिसे आप मांड भी कहते हैं, उसमें घिसकर अच्छी तरह से पीस कर आप अपने चेहरे पर लगाइए। इससे फफोले और या किसी प्रकार के दाने हैं तो वे नहीं बनते। चेचक के रोग में यह बहुत ही उपयोगी इलाज है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें दांतों से संबंधित रोग हैं, जिनके दांत गंदे हैं या मसूड़े सूजे हुए, दांतों से खून आता है, पायरे की समस्या है। आप इसके लिए कुटज की छाल लीजिए और कुटज के बीज ले लीजिए। दोनों को अच्छी तरह से पीस कर उसका मंजन बना लीजिए। रोज़ सुबह को प्रातःकाल आप उसका मंजन की तरह इस्तेमाल करिए हाथ से। आपको उंगली से करना है। उंगली से दांतों को अच्छी तरह से साफ करेंगे तो मसूड़े से खून आना, मसूड़े सूजे हुए तो वे ठीक हो जाते हैं, अगर मुँह में बदबू है तो वे भी ठीक हो जाती है, पायरे की समस्या है तो वे भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें बवासीर की परेशानी है या खूनी बवासीर की परेशानी है। आप इसके लिए कुटज की छाल का काढ़ा बनाइए 20 से 30 मिलीमीटर की मात्रा में, और उसमें 1 ग्राम सौंठ डालकर आप उसका सेवन करते हैं तो बवासीर के रोगों को बहुत फायदा होता है। अगर बवासीर में आपको खून निकलता है तो उसमें और भी ज़्यादा फायदा करता है। जो पेचिस के रोगी हैं उनके लिए एक और उपाय है जिनको दस्त की समस्या बनी रहती है। आप इसके लिए कुटज का जो है 2 चम्मच की मात्रा में चूर्ण लीजिए और शहद के साथ आप उसका सेवन करते हैं तो पेचिस, जिनको दस्त की समस्या है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें उपदंश का रोग है,
आप इसके लिए कुटच की छाल लीजिए, उसका 10 ग्राम की मात्रा में चूर्ण ले लीजिए, 15 ग्राम की मात्रा में मिश्री ले लीजिए। अगर आप रोज़ सुबह को इसका सेवन करते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही उपदंश का रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों आज हमने आपको कुटच के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको कोई हमसे सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद शाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।